आम के पेड़ पर एक सुरीली नाम की चिड़िया रहती थी। उसने खूब सुंदर घोंसला बनाया हुआ था जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे रहते थे। वह बच्चे अभी उड़ना नहीं जानते थे, इसलिए सुरीली उन सभी को खाना लाकर खिलाती थी। एक दिन जब तेज वर्षा हो रही थी तभी सुरीली के बच्चों को जोर से भूख लगने लगी। बच्चे खूब जोर से रोने लगे। सुरीली से अपने बच्चों का रोना देखा नहीं गया। वह उन्हें चुप करा रही थी किंतु बच्चे भूख से तड़प रहे थे, इसलिए वह चुप नहीं हो रहे थे। सुरीली सोच में पड़ गई, इतनी तेज बारिश में खाना कहाँ से लाऊंगी? मगर खाना नहीं लाई तो बच्चों की भूख शांत कैसे होगी? काफी देर सोचने के बाद सुरीली ने एक लंबी उड़ान भरी। वह बारिश में ही पंडित जी के घर पहुंच गई। पंडित जी ने प्रसाद में मिले चावल और फलों को आंगन में रखा हुआ था। चिड़िया ने देखा और बच्चों के लिए अपने मुँह में ढेर सारा चावल रख लिया और झटपट वहाँ से उड़ गई। घोंसले में पहुंचकर चिड़िया ने सभी बच्चों को चावल का दाना खिलाया। बच्चों का पेट भर गया। वह सब चुप हो गए और आपस में खेलने लगे। संसार में माँ की ममता का कोई तोड़ नहीं है। अपनी जान